नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ सनिसा। और आइए देखते हैं खबर उत्तराखंड। सबसे पहली खबर देहरादून से। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश सरकार का सफाई अभियान। देहरादून में आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में है शहीद चित्रेश बिष्ट का घर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश सरकार का सफाई अभियान है। देहरादून में आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई। चित्रेश बिष्ट शहीद जो हैं उनके घर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में है शहीद चित्रेश बिष्ट का घर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अनिल चौहान हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी अनिल, जिस तरह से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, सफाई अभियान भी शुरू किया है, खुद सफाई करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं और शहीद चित्रेश बिष्ट के घर भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी अनिल से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। आपको बता दें शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में है शहीद चित्रेश बिष्ट का घर। आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम किया है उत्तराखंड बीजेपी ने और प्रदेश सरकार का सफाई अभियान भी दिखाई दे रहा है देहरादून से। देहरादून में आज सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, खुद सफाई करते हुए दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश सरकार का सफाई अभियान शुरू। शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देहरादून में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश सरकार का सफाई अभियान शुरू। शहीद चित्रेश बिष्ट के घर भी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्हें श्रद्धांजलि देने। और इस खबर पर हमसे अनिल चौहान हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई है पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, यहां अगर देखा जाए तो कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्या अपडेट है वहां से? जी सानिसा, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आज का जो है पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उसी क्रम में उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की जा रही है। आज सुबह जबकि यहाँ काफी अच्छी बारिश थी, बारिश के बावजूद भी सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह शहीद मेजर चित्रेश जी के यहाँ आवास पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पिताजी से, और जैसा वहाँ पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। उसके बाद जो है कई तरह के कार्यक्रम जो है उन्होंने आयोजित किए गए हैं। अच्छा, और अनिल ये भी बताया कि जिस तरह से खुद सीएम वहां पर सफाई करते हुए दिख रहे हैं और लोगों को भी जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, आज मोदी जी का जन्मदिन है उसके अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, किस तरह का माहौल है वहां पर उत्तराखंड में? बीजेपी कितने दिनों तक यहां पर ये कार्यक्रम वहां पर चलाएगी?
जी सानिशा, देखिए सबसे बड़ी बात यही देखने में आ रही है कि ये जो है मोदी जी के जन्मदिन को जो है ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और इसका जो है कार्यकाल 15 दिन का रखा गया हुआ है और 15 दिन के अंदर के इस स्वच्छता पखवाड़े में जितने भी कई संगठन हैं, कई जो है नेता है, नेता प्रति सभी लोग हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कई जो है इसमें जो है कई तरह की जो है संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। अनिल, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ, आप जुड़े रहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम, देहरादून में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। देहरादून से दूसरी खबर आपको बता दें कि राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी की मांग, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मांग, 21 सितंबर को बहुउद्देशीय परियोजना पर बैठक, इस बैठक के दौरान सीएम 17 अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे मांग। राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी की मांग की जा रही है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मांग है। 21 सितंबर को किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर बैठक, इस बैठक के दौरान सीएम 17 अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे इसकी मांग करने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं अनिल चौहान, हमारे संवाददाता देहरादून से। अनिल, जिस तरह से राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी की मांग की बात की जा रही है, किस तरह का अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी मांग कर रहे हैं, क्या अपडेट है इस खबर पर? अनिल, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है अनिल चौहान हमारे संवाददाता से देहरादून से। आपको बता दें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से सीएम धामी की मांग है, बैठक में सीएम 17 अन्य परियोजना की मांग कर रहे हैं, राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी की मांग की जा रही है। हमारा फिर से संपर्क बन चुका है अमित चौहान से, जो कि अनिल चौहान से जो हमारे संवाददाता है देहरादून से। अनिल, जिस तरह से ये 17 मांगों की जो मांग की जा रही है पुष्कर सिंह धामी, इस पर क्या अपडेट है वहां से? सानिशा, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, उत्तराखंड राज्य में विद्युत परियोजनाओं को लेकर काफी अपार संभावनाएं हैं और यहाँ सबसे बड़ा परिवेश यही होता है कि यहाँ पर जो है वन क्षेत्र करीब 66% वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र में जो है जो गांव है दूरस्थ गांव है और दूरस्थ गांव के साथ साथ छिटके हुए हैं, मतलब एक घर काफी दूर दूर बने हुए हैं, तो ऐसे में जो है ये जो है बड़ी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है उत्तराखंड को उनको जो है बिजली उपलब्ध कराने के लिए। तो इसी में जो है काफी समय से करीब 30-35 परियोजनाओं के डिमांड केंद्र सरकार द्वारा की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, कि जो है कम से कम छोटी छोटी परियोजनाओं की अनुमति दी जाए और वहां से ताकि बिजली का उत्पादन हो सके। आज उसी क्रम में जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी द्वारा जो है ये उनको 17 परियोजनाओं को जो है लगभग मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 21 सितंबर को संपूर्ण बैठक होगी। जी अनिल, और जिस तरह से ये 17 परियोजनाओं में किस तरह की परियोजनाएं कृपया बताएं, क्योंकि जो इतनी सारी परियोजनाएं कुछ नाम बताएं हमें। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो परियोजना है जैसे पौड़ी हो गया बागेश्वर साइड का है और इधर के जो क्षेत्र है जो इधर दूरस्थ गाँव है कुमाऊं और गढ़वाल के, और वहां पर जो है कई परियोजनाएं हैं उनमें से जो है बागेश्वर परियोजना सबसे अहम है और उन्हीं पर जो है ये जो है संस्तुति मिली है। जी सानी सर, और अनिल, जिस तरह से ये 21 सितंबर को किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की जो मांग की जा रही है, इसमें ये मांग पूरी होगी या नहीं, क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए इसमें जो है पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है उत्तराखंड के विकास के लिए लगे हुए हैं
और उससे उनकी कार्यशैली भी काफी हद तक प्रभावशाली है, कई उनको योजनाएं लेकर आ चुके हैं। और कल ही उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने संकल्प दिवस के रूप में मनाया था, और इस संकल्प दिवस में यही उनका कहना है कि हम अभी 2025 में उत्तराखंड हमारा 25 वर्ष का हो रहा है, तो ऐसे में हम अपने प्रदेश को बिल्कुल अग्रणी प्रदेश में लाकर रहेंगे। अनिल, जिस तरह से ये 21 जो जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये परियोजना का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी इसकी मांग कर रहे हैं, और इस मांग को पूरा होते देख क्या कहते हैं आप, कब तक पूरी होंगी ये मांगे या इसको समय लगेगा? देखिए सानिता, सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे पहले जो चरण होता है मांग की स्वीकृति का होता है, स्वीकृति के बाद बजट सेंशन होता है, बजट सेंशन के बाद सुचारू रूप में आने में समय तो लगता ही है, लेकिन भी ये जब जाएगी कि लगभग आप एक वर्ष के अंदर ये सब जो कार्य पूरा हो जाएगा। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ अगली खबर पर भी। आपको बता दें केंद्रीय जल शक्ति जो 21 परियोजनाओं की मांग कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और अगली खबर नैनीताल से। आपको बता दें कि प्लास्टिक कचरे के लिए दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने कूड़े के लिए बने ऐप के उपयोग के दिए निर्देश, ऐप में दर्ज शिकायतों का 2 हफ्तों में हो रहा है निस्तारण, एचसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, एचसी अधिकारियों के फोन नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लास्टिक कचरे के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, हाईकोर्ट ने बताया है, हाईकोर्ट ने कूड़े के लिए बने ऐप के उपयोग के निर्देश दिए हैं, ऐप में दर्ज शिकायतों का 2 हफ्तों में निस्तारण हो ऐसा आदेश दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको सुनवाते हैं क्या हमारे संवाददाता अनिल चौहान कहते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से ये प्लास्टिक कचरे के लिए जो दायर की थी याचिका, उस पर जो सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ऐप का उपयोग करेंगे और 2 हफ्तों के अंदर ही इसका निराकरण करेंगे, निस्तारण करेंगे, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी सानिता, देखिए सबसे बड़ी बात यही देखने में आ रही है, ये जितेंद्र यादव जी अल्मोड़ा के हवालबाग निवासी थे, उन्होंने एक हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में प्लास्टिक यूज निस्तारण के लिए नियमावली बनाई थी, और उन्होंने यही आरोप लगाया था, एक जनहित याचिका दायर की थी कि इसमें जो सरकार जो है जो नियमावली बनाई है उसके अंतर्गत कार्य नहीं हो रहा है। उसमें नियम ये था कि जो भी निर्माणकर्ता या जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो जितनी भी प्लास्टिक बनाएंगे उतनी ही मात्रा में जो है खाली जो है उस प्लास्टिक को खरीद भी करेंगे, अगर वो खरीद नहीं करते हैं तो वो एक निकाय को जो है फंड जो है निर्वाता द्वारा दिया जाएगा ताकि जितनी भी जो वेस्टेज है उसको उसी मात्रा में जो है उसको रिसाइकलिंग हो सकती है। तो कभी बार देखने में आ रहा है जितने भी दर्शक वगैरह या पर्यटन लोग जो जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहां पर क्या देखने में आता है कि वहां पर जो है प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, तो इसी देकर के जो है एक याचिका दायर की गई थी, और इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी जी और न्यायमूर्ति आरती खुलवे जी की खंडपीठ ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय ये दिया है कि जो भी कूड़ा निस्तारण के लिए जो भी ऐप है उस ऐप को सार्वजनिक किया जाए, उस ऐप पर जितने वहाँ के अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं उनकी फोटो वगैरह सब जो है उस पर निर्देशित की जाए, फोटो और उनके मोबाइल नंबर उस पर अंकित हों, और अगर मान लीजिए वो 2 सप्ताह के अंदर उस कूड़े का निस्तारण होना चाहिए। जी अनिल, अनिल ये बताएं कि जिस तरह से जो ऐप बनाया है कितना कारगर है, क्या वाकई वहां की जनता इस ऐप को यूज करेगी, इसका उपयोग करेगी, इसमें शिकायतें दर्ज करेगी? ये ऐप जो आप बता रहे हैं वहां के लिए बनाया गया, हाईकोर्ट ने कहा है कि इस ऐप में शिकायतें जो हैं वो 2 हफ्तों में इसका निस्तारण हो, पब्लिक जिनको जिनके पास स्मार्टफोन है वो इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं, पर जो जो स्मार्टफोन उपयोग नहीं करते हैं वो लोग वो कहाँ शिकायत करेंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जी सानी सर, देखिए इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मान लीजिए कोई शिकायत करता, अगर मान लीजिए वो शिकायत दर्ज करके फोटो वायरल कर देते हैं तो उसके अगर अगर वो 2 सप्ताह में अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो स्वतः ही उच्च अधिकारी के पास वो जो है शिकायत अपने आप पहुंच जाएगी और उसका संज्ञान लेंगे, अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो उसके खिलाफ जो है जो उच्च अधिकारी उसके जिम्मेदार होंगे और उनके किसी लापरवाही के जो है उन पर मुकदमा भी दर्ज या विधिक कार्रवाई उन पर की जाएगी।
जी अनिल, और जिस तरह से ये ऐप कहा जा रहा है कि इसमें शिकायतों का 2 हफ्तों में निस्तारण होगा, इसकी शिकायतें सुनी जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट कह रहा है, पर जो ऐप है उसके लिए इंटरनेट चाहिए या इंटरनेट नहीं भी हो पर स्मार्टफोन चाहिए, ये एक बड़ी समस्या हो सकता है वहाँ के नागरिकों के लिए हो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें भी कई समस्याएं हो सकती हैं, ऐप में भी समस्याएं हो सकती है, पर हो सकता है ये ऐप काम का हो। और प्लास्टिक के कचरे के लिए जो दायर याचिका की गई है उसके ऊपर जो कूड़े को हटाने के लिए जो ऐप बनाया है वो कारगर साबित हो, ऐसा ही हम सोचते हैं। अब देखना ये होगा कि ये ऐप कितना साबित होता है, सिद्ध साबित होता है, कितना लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है, सहायता करता है। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको अगली खबर बता दें, अगली खबर है देहरादून से कि राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट बताया जा रहा है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के क्षेत्र में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बारिश के क्षेत्र में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है, आसमान से आफत बरस रही है। देहरादून से आपको विशेष खबर बता रहे हैं बारिश को लेकर। इस खबर पर भी हमारे साथ अनिल चौहान देहरादून से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर भी हमसे जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से ये लगातार बारिश दिखाई दे रही है देहरादून के में और उत्तराखंड के कई अंचलों में, कई जिलों में तूफानी बारिश हो रही है, येलो अलर्ट जारी किया है, क्या अपडेट है, कब तक होगी ये बारिश, कब राहत मिलेगी बारिश से वहाँ के लोगों को? सानिशा देखिए, जब तक सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तराखंड में जब भी बारिश का मौसम आता तो एक उत्तराखंड राज्य को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और इसी क्रम में जो है 14 सितंबर को मौसम विभाग द्वारा 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें विशेषकर जो है तब से लगातार बारिश पड़ रही है और ये आज जो है 17 सितंबर को समाप्त हो जाएगा मौसम विभाग के अनुसार। और इसमें जो है देहरादून, बागेश्वर और ये तीसरा जिला जो है, ये तीनों को जो है काफी संवेदनशील बताया गया है, और इसमें जो है साथ साथ बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। जी, और जिस तरह से ये जो बारिश है, येलो अलर्ट जारी, इसलिए जिला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह से आवागमन रहेगा, कितने मार्ग अवरुद्ध हैं, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, और जो जो बड़े बच्चे हैं कॉलेज जाने वाले, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जितना भी जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में साथ साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी खुद कमान संभालते हैं, वहीं आपदा कंट्रोल रूम से उसको पूरा नियंत्रण करते हैं, पूरा निगरानी रखते हैं। उसी के साथ साथ जितने भी जब भी मौसम का विभाग का अलर्ट होता है तो पुलिस चौकिया, पुलिस प्रशासन को जो पूरा अलर्ट रहने का आदेश दे दिए जाते हैं, और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहता है, और कल से वैसे छोटे मोटे मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, किसी भी अप्रिय घटना की अभी कोई जानकारी नहीं है। अनिल, जैसा कि आपने बताया कि अभी कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है अप्रिय घटना की, पर जिस तरह से ये बारिश दिखाई देती है उत्तराखंड में और वहाँ पर जो रास्ते अवरुद्ध हुए हैं उसको कैसे डाइवर्ट किया है वहाँ के जिला प्रशासन ने, वहाँ के लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं इन दिनों, जब बारिश तेज होती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए सानिता, इसमें सबसे बड़ी बात यही आती है, जैसे अभी जो है नरेंद्र नगर और टिहरी मार्ग जो है बाधित हुआ था, तो उसमें क्या था, बीआरओ द्वारा या पीडब्ल्यूडी विभाग जितनी भी संस्थाएं वो तुरंत एक्शन में मोड़ पर आ जाती हैं, और पीडब्ल्यूडी विभाग भी जगह जगह पर अपना जेसीबी वगैरह सब इंतजाम अपने व्यवस्था रखते हैं, और उन्होंने क्या था छोटे मार्गों के लिए जो था छोटे वाहनों के लिए मार्ग दुरुस्त कर दिया, उनकी आवाजाही चल रही थी, बाकी भारी वाहनों के मार्ग की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल, और आप सारी खबरों पर हमारे साथ बने हुए थे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपको बता दें देहरादून से खबर आ रही है कि राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, अगले 24 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, बारिश के क्षेत्र में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तो
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।